तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक और नई कैमरा कंपैरिजन वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं ओप्पो रेनो 8, इसी का दोस्तों हम कैमरा कंपैरिजन करने वाले वन प्लस नोट 2T के साथ। तो दोस्तों क्या कुछ इनके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी को जानने के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों दोनों के कैमरों के सेटअप की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दोनों में देखने को मिल जाता है। वहीं पर दोस्तों 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने को मिल जाता है। 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा रेनो 8 में और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा आपको नोट 2T में देखने को मिल जाता है। इसी में सबसे पहले दोस्तों आप 1080p 30fps पर वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन आपको दोनों में अच्छा देखने को मिल जाता है। वहीं पर थोड़ा सा कलर बूस्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों अगर आप फ्रेम को चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपको रेनो 8 में काफ़ी अच्छी सी चीज़ देखने को मिल जाती है। वहीं पर नोट 2T में ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ देखने को मिल जाती है। कलर वगैरह दोस्तों दोनों में अच्छे से आपको देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा सा पोस्टर्ड कलर देखने को मिल जाते हैं, बट दोस्तों यहाँ पर क्लियर इमेज आपकी निकल के आती है। जैसे दोस्तों इसको स्विच करते हैं 1080p 60fps पे तो यहाँ पर दोस्तों रनिंग वीडियो हम करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन रेनो 8 में काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है। वहीं नोट 2T में दोस्तों ये चीज़ आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है। वहीं पर कलर मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा सा दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है। बूस्टेड कलर है, वहीं पर लाइटिंग कलर आपको रेनो 8 में देखने को मिल जाते हैं। प्राइमरी कैमरे से दोस्तों कई पिक्चर्स हमने क्लिक करी है, यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस दोनों के मोबाइल में देखने को मिल जाता है। नोट 2T में आपको कलर बूस्टिंग देखने को मिल जाती है, वहीं लाइटनेस आपको वाइट टोन के साथ रेनो 8 में देखने को मिल जाती है। फेस वगैरह की क्लियरिटी दोनों में काफ़ी अच्छी है, सिर्फ पिक्चर दोनों की निकल जाती है दोस्तों। स्किन वगैरह का कलर आपको काफ़ी अच्छा सा देखने को मिल जाता है। वहीं पर बैक साइड की ग्लास वगैरह देखने को मिलती है, थोड़ा सा नोट 2T में कलर बूस्टिंग इसमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। आपकी रेनो 8 में ये चीज़ क्लोज टू नेचर रखने की कोशिश करिए। आपका यहाँ पर देख सकते हैं टी शर्ट वगैरह कलर भी काफ़ी लाइट देखने को मिल जाता है। सिमिलर से दोस्तों यहाँ पर लास्ट पिक्चर में आप देखते हैं प्राइमरी कैमरे से जैसे लास्ट आपके बैक साइड के रैक वगैरह का कलर काफ़ी डिफरेंस दोनों में देखने को मिल जाता है। टी शर्ट का कलर भी यहाँ पर डार्क मोड पर नोट 2T में देखने को मिलता है। और 2T दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी कैमरे से आपके कलर को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, वहीं पर लाइटनेस के साथ आपका वाइट टोन यहाँ पर रेनो 8 में देखने को मिल जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर वाइट एंगल मोड पर आप चेंज करते हैं और इसके अंदर अगर पिक्चर्स को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा आपको डार्क कलर रेनो 8 में देखने को मिल जाता है। वहीं पर नोट 2T में आपको सिमिलर सी चीज़ देखने को मिल जाती है, कलर्स थोड़े से बूस्टेड देखने को मिल जाते हैं। स्किन वगैरह का कलर काफ़ी क्लियर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बैक साइड का बादलों वगैरह का कलर भी काफ़ी क्लोज टू नेचर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। रेनो 8 में दोस्तों ये चीज़ आपको कम देखने को मिलती है, बैक साइड की डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से आपको देखने को मिल जाती है, क्लियर इमेज आती है। बट यहाँ दोस्तों ह्यूमन शॉट अगर आप यहाँ लेते हैं तो आपके चेहरे पर थोड़ा सा यहाँ पर डार्क कलर देखने को मिल जाता है। अलग अलग पिक्चर्स और भी क्लिक करिए दोस्तों, सब में हमें सेम यहाँ पर चीज़ देखने को मिली है, डार्क कलर थोड़ा सा यहाँ पर आपका बूस्टेड करता है रेनो 8। वहीं पर दोस्तों लाइटिंग और आप ह्यूमन शॉट वगैरह लेते हैं वाइड एंगल मोड पर तो काफ़ी बेस्ट आपके लिए नोट 2T यहाँ पर साबित होने वाला है। जूमिंग टेस्ट करते दोस्तों 1x जूम पे आपको काफ़ी बेटर चीज़ें देखने को मिल जाती है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, सिमिलर से चीज़ें यहाँ देख रखी है। जैसे दोस्तों यहाँ पर 5x जूम पे आप क्लियर पिक्चर्स को क्लिक करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा क्लियर और शार्प पिक्चर आपकी नोट 2T के अंदर देखने को मिल जाती है। कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहा है नोट 2T। रेनो 8 में दोस्तों यहाँ पर आपके लिए पिक्चर्स वगैरह क्लियरिटी काफ़ी बेस्ट यहाँ पर निकल जाती है। थोड़ा सा यहाँ आपका ह्यूमन शॉट में स्किन टोन थोड़ा सा आपको डल देखने को मिल जाता है, डार्क शेडो की तरफ थोड़ा सा ही जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप 10x जूम पे पिक्चर्स को क्लिक करते हैं तो टोटल चीज़ आपके लिए रिवील्ड हो जाती है। नोट 2T की यहाँ पर इमेज बेस्ट आपको देखने को मिलती है, वही थोड़ी सी डार्क आपका यहाँ पर इमेज रेनो 8 के अंदर देखने को मिल जाती है। पिक्चर्स अच्छी क्लिक कर रहा है बट दोस्तों यहाँ पर कहीं वाइट टोन ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, कहीं पर डार्क टोन आपको इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिल जाता है। पोर्ट्रेट इमेज दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करते कई पोर्ट्रेट इमेज यहाँ पर हमने क्लिक करी है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कलर बूस्टिंग नोट 2T के अंदर देखने को मिल जाती है। बैक साइड का ब्लर वगैरह काफ़ी बढ़िया सा आपको इसके अंदर दे रखा है। वहीं रेनो 8 में दोस्तों आपका बैक साइड का ब्लरनेस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से मेंटेन करें, क्लोज टू नेचर रखने की कोशिश करिए पोर्ट्रेट इमेज में। वहीं पर दोस्तों बैक साइड का ब्लर अगर थोड़ा सा यहाँ पर और ज़्यादा देखने को मिलता है तो पोर्ट्रेट इमेज काफ़ी बेस्ट आपके लिए यहाँ साबित होती है। इमेज दोनों की अच्छी है, क्लोज टू नेचर रखने की कोशिश करिए। नोट 2T में आप यहाँ पर डिफरेंस देख ही सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंस दोनों की पिक्चर्स में हमको यहाँ पर पोर्ट्रेट इमेज में देखने को मिल जाता है।
सन के कॉन्टेक्ट में दोस्तों अगर आप पोर्ट्रेट इमेज वगैरह क्लिक करते हैं तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी कलर्स को मेंटेन रेनोवेट में आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा सा कलर यहाँ पर होमेन शॉट में आपको देखने को मिल जाता है। नोट 20 में दोस्तों आपको यहाँ डार्क पिक्चर देखने को मिलती है, कलर बूस्टिंग वगैरह ज़्यादा है, लाइटिंग वगैरह थोड़ी सी कम यहाँ इसके अंदर देखने को मिल जाती है। वहीं पर दोस्तों माइक्रो शॉट की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शॉट रेनोवेट में देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी सी इमेज यहाँ पर क्लियर करता है, ग्रास वगैरह की काफ़ी मतलब कलर को इतना बूस्टेड नहीं करता, ओरिजिनल यहाँ कलर रखने की कोशिश करता है। इसी में दोस्तों फ्रंट सेल्फी कैमरे से आप यहाँ 1080x30fps पर वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा सा डार्क कलर आपको यहाँ पर रेनोवेट में देखने को मिल जाता है, वाइटनेस और यहाँ लाइटिंग के साथ आपको नोट 20 देखने को मिल जाता है। इसी में फ्रंट कैमरे से दोस्तों अगर आप पिक्चर्स को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए चीज़ें रिवील्ड हो जाती है। यहाँ पर रेनोवेट में दोस्तों आपकी जो स्किन का कलर है वो काफ़ी वाइटनेस के साथ आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर आप क्लोज टू नेचर रखने की कोशिश करिए। नोट 20 में आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है, कलर बूस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाती है इसके अंदर, पिक्चर्स दोनों की यहाँ पर काफ़ी बढ़िया से निकल गई है, अलग अलग इमेजेस हमने यहाँ क्लिक करी है फ्रंट सेल्फी कैमरे से जो कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, सिमिलर सी है, काफ़ी बढ़िया सी इमेजेस आपको दोनों के अंदर देखने को मिल जाती है। पोर्ट्रेट इमेज दोस्तों अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर रेनोवेट और नॉट 20 से तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, सिमिलर सी इमेज देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा कलर बूस्टेड नॉट 20 में देखने को मिल जाते हैं, वहीं एज डिटेक्शन दोनों के अंदर आपको अच्छे से देखने को मिल जाता है, बैक साइड का ब्लर वगैरह काफ़ी अच्छे से मेनटेन करा है। दोनों मोबाइल की यहाँ पर डिफरेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है पोर्ट्रेट सेल्फी में, क्योंकि सिमिलर सी यहाँ पर इमेजेस आपको देखने को मिल जाती है, कलर टोन और स्किन टोन का कलर काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। लास्ट में दोस्तों यहाँ पर स्लो मोशन की बात करें तो काफ़ी बढ़िया सी दोनों के अंदर स्लो मोशन देखने को मिल जाती है, कलर बूस्टिंग नोट 20 में देखने को मिल जाती है, रेनोवेट थोड़ा सा क्लोज टू नेचर रखने की कोशिश करता है। वन क्लिक पर दोस्तों यहाँ पर आपका स्लो मोशन स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यूसली चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई बग वगैरह देखने को इसके अंदर हमको नहीं मिला है। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें थी जो कि कैमरे के अंदर हमको देखने को मिली है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेस्ट है या किस ब्रांड का फ़ोन ज़्यादा आप यूज़ करते हैं। ये कैमरा वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको, यहाँ अगर ये पसंद आई है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए टेक्निकल ट्रैक फैमिली के साथ, ऐसी कंपैरिजन वीडियो हम लाते रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।